शिरू, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए ठंडी आइस क्यूब लाया हूँ। जल्दी खा लो, नहीं तो ये पिघल जाएंगे। ये तुम क्या कर रहे हो शिनचैन? अगर तुम इसे बर्फ खिलाओगे तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा करो, इसको इसकी जगह सादा पानी दे दो। मम, मम, ये बर्फ कितनी ठंडी है। तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। ऐसे करने से गर्मी नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। हा? 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 और चाहिए? बस बहुत हो गया, जाओ और शीरो के लिए कुछ ढंग का खाना लेकर आओ। ठीक है। मुझे ये कपड़े फिर से धोने होंगे। कुछ ढंग का खाना, कुछ ढंग का खाना। इस फ्रिज में तो कुछ भी ढंग का खाने को नहीं है। इतनी गर्मी में मैं बाहर से कुछ खाने को भी नहीं ला सकता। शीरो, तुम्हारे लिए कुछ ढंग का खाना मिल गया। जरा रुक जाओ शिनचैन, मुझे देखने दो। ओ, तो तुम शीरो को ये खिलाने वाले हो? हाँ, गाजर और शिमला मिर्च बहुत फायदेमंद होते हैं मॉम। अब मैं समझी, ये वो चीजें हैं जो तुम खाना पसंद नहीं करते, इसलिए उसे खिला रहे हो ना? ये सब उसे तब खिलाना जब तुम इन्हें खाना शुरू कर दो, समझे? सुबह के नाश्ते में पनीर का सूप बच गया था, जाओ और उसे चावल के साथ मिलाकर खिला दो। ठीक है। खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? खाने के बाद उसे नहलाना भी है। क्या? पनीर का सूप, शिरू का पनीर का सूप, चावल चावल, मम के सफेद चावल। अब इसे मिलाओ, इसे मिलाओ, अच्छे से मिलाओ। अब इसे मिलाओ, इसे मिलाओ, अच्छे से मिलाओ। ये तुम क्या कर रहे हो शिनचैन? मैं तो टेस्ट कर रहा था। अच्छा, तो तुम सिर्फ टेस्ट कर रहे थे? अब तो मुझे ये खरीदना ही पड़ेगा। और ये सब भी? हम यहाँ शीरो के लिए खाना लेने आए हैं, समझे? मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। और डालिए ना। तुम चुप रहो, शीरो अभी छोटा है, अगर वो ज्यादा खाएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा, समझे तुम? अब जाओ और उसे ये खिला कर आओ। ठीक है। तुम ये क्या कर रहे हो? ये शीरो के लिए है, मैं तो थक गई तुम्हें समझाते समझाते। क्या मैं खा लूं मॉम? बिल्कुल नहीं, ये शीरो के लिए, उसे जाकर देकर आओ। शीरो, खाना। अब शायद मैं कपड़े सुखा सकती हूँ। बैठ जाओ, तुम मेरी बात मानोगी ना? जब तुमने उसे कुछ खिलाया ही नहीं तो ये सब कैसे करेगा? पहले उसे खाना तो खिलाओ। हाँ, मुझसे बच के कहाँ जाओगी? अरे नहीं, मैं तो एक अच्छा बच्चा हूँ। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं।
शुक्रिया।